हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओएसटीटी एग्जाम 2022-23 किछ मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। ये होची मॉक टेस्ट नंबर 2, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 46 क्वेश्चन। तो आप आउट ऑफ 46 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टा आप मानकर रेगुलर हाई स्कूल टीचर पई इंपोर्टेंट रहइबो मेंस एग्जाम रे। ता सहित आप मानकर ओटीटी एग्जाम मध्य जनवरी लास्ट रे आप मानकर हेबा को जाउछि, सेति में मते इंपोर्टेंट रहइबो। तो देखिए आप आउट ऑफ 46 केते स्कोर रखुचंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू, से पचारे कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेज गुड़ाक कहा सहित क्लोज, माने कौ डेवलपमेंट स्टेज सहित क्लोज अच्छे से पचार। फ्रॉइड्स साइको सेक्सुअल स्टेज, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, एरिक्सन साइको सोशियल स्टेज, ना सलिवान्स इंटरपर्सनल स्टेज। तो देखो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस देते से गुड़ाक पियाजेट को जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज सहित समान अटे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग इज ट्रेडिशनल, तो कौ जो लर्निंग अप्रोचटा पुराणा बा ट्रेडिशनल से पचारी। तो आम टीचर सेंट्रिंग, लर्नर सेंट्रिक, आउ लर्निंग सेंट्रिक, आउ नन ऑफ दिज दे। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच हूँ आम लर्निंग टीचर सेंट्रिक, ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स कैंट से नन ऑफ द अबव। तो देखो डेवलपमेंटा प्रोसीड हूँ प्रोसीड हूँ जनरल रु स्पेसिफिक आड़क, ए स्टेटमेंटा कौन, ए स्टेटमेंट हूँ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये जो चारिटा स्टेटमेंट देती कौटा सत्य नुहे से पचार। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखु आमर लर्निंगटा लर्निंग प्रोसेस द्वारा आम बिहेवियर चेंजेस हो ठीक अच्छे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो, एजुकेशन गोटे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस यहीटा भी ठीक, आउ गोटे आम ग्रोथ रोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस यहीटा भी ठीक, किंतु डेवलपमेंटा क्वांटिटेटिव नुह क्वालिटेटिव होगा कथा, ये क्वांटिटेटिव देखा नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर सी हूँ नॉट ट्रू, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, ये जो चार ऑप्शन मध्य कौटा गोटे पिलार फिजिकल ग्रोथ को दर्शाऊ, क्वांटिटेटिव, नेगेटिव, क्वालिटेटिव ना पॉजिटिव। तो देखो गोटे पिलार ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ को कौटा बताइब ना क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक ग्रोथ को सब परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम इज ए वर्ड ऑफ डेज, करिकुलमटा गोटे लाटिन वर्ड, से कौ लाटिन वर्ड रू एक्चुअली कहीदेली मुझे आंसर। तो करिकुलम इज ए वर्ड ऑफ डेज, मैंने कौ भाषा आसे पचार, यहाँ लाटिन भाषा आसी। तो आप मुझे आंसर कहीदेली, तो आप कौ वर्ड रू आने कहे करिकुलमटा, करिकुलमटा आम लाटिन वर्ड से वर्ड ना कौन आप कहे, से वर्ड ना आप कहे, यहाँ आप होमवर्क रहा, कहीं ना आपको आंसर दे दिल। तो आप कहे जे करिकुलमटा जो गोटे लाटिन भाषा लाटिन वर्ड रु आटिन वर्ड ना कौन आप कमेंट सेक्शन में निहाती भावे जनइबे। नेक्स्ट रही पाउलो फ्रेरे रिटेन ए बुक नेम्ड, पाउलो फ्रेरे गोटे बुक लिखी सी जड़े क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर, से गोटे पुस्तक लिखी ना कौन, से पुस्तक ना कौन से पचार। तो पाउलो फ्रेरे जो पुस्तक लिखिंट से पुस्तक ना हूँ पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम मध्य लिखिंट, से बहुत गुड़ा पुस्तक लिखिंट, से पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड ए पुस्तकटा से लिखिंट, आउ गोटे पेडागोजी ऑफ द फ्रीडम मध्य पुस्तक से लिखिंट। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज यूजीसी स्टैंड्स फॉर, यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन से पचार। तो यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन हो ना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हाट इज जी नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट, व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट रे कौटा न था से पचार। ब्लू प्रिंट आम जो प्रश्नपत्र प्रस्तुत कला समय ब्लू प्रिंट रो जरूरत हो, तो ब्लू प्रिंट रे कौ जिनसटा रहे ना,
तो रही रिलेटिव वेटेज ऑफ कंटेंट, वेटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल, वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेटेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। तो देखो ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कला बेले कंटेंट उपर ध्यान गुरुत्व दि जाऊँगी, टाइप ऑफ क्वेश्चन उपर गुरुत्व दि जाऊँगी, 10 मार्क कितर पड़ो, 5 मार्क कितर पड़ो, 1 मार्क शून्य स्थान पूरण, यह सब ध्यान दि जाऊँगी। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट उपरे मध्ये ध्यान दिया जाउछे, तीनटा जाकू फोकस करा जाउछे, किंतु डिफिकल्टी लेवल एटा से तार ब्लू प्रिंट रे न थाए। ऑप्शन नंबर बी होउछे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहिछ द इवैल्यूएशन व्हिच कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स इज कॉल्ड। तो देख से कहिछ जे गोटे इवैल्यूएशन जहाँ कि आमर कोर्स रे एंड रे करा जाउछि, तो सेरो कोन कहबा, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, सममेटिव ना डायग्नोस्टिक। तो कोर्स एंड रे जोटा होची सेटा होची सममेटिव इवैल्यूएशन। कोर्स एंड है जीवो आमरो टर्म एंड बा एकेडमिक ईयर एंड सेउडा होची सममेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय डेस मोशन ऑफ द अर्थ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो ये क्वेश्चन टा को टाइप रे से पचारची, मल्टीपल चॉइस ना, ट्रू फॉल्स ना, कंप्लीशन ना मैचिंग। तो आप देखो ये कौन ना शून्य स्थान पूरण दे, तो आमर कंप्लीशन माने शून्य स्थान पूरण, तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो आम सब बड़े आम रिजल्ट आसू मेजरमेंट कौन कर वर्णना के आप पचारे तुम ओटीट रे के मार्क आसा, ओएसटी के आसा, मुझे 150 मोर 95 आसा, मैंने आम नंबर एक्सप्रेस कर नंबर रे। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ZPD सिग्निफाइज। तो ZPD फुल फॉर्म कौन से पचार, ZPD फुल फॉर्म हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर, यहाँ आम वाइगोत्स्की देखती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केब स्टैंड्स फॉर, केब रो फुल फॉर्म कौन से पचारुछि, केब रो फुल फॉर्म हिजबो कौन ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट रही डिसकाल्कुलिया इज एसोसिएटेड विथ, डिसकाल्कुलिया कहा सहित संपर्कित, डिसकाल्कुलिया माने आमर कौन हम ना आमर मैथमेटिकल प्रोब्लम रहिबो, कैलकुलेशन रे प्रोब्लम रहउछि, तो डिफिकल्ट इन अरिथमेटिकल स्किल्स। आप आरिथमेटिकाल दे बेले बेले आपन को मैथमेटिकल डिफिकल्टी दे बेले बेले आपन को कैलकुलेशन प्रॉब्लम दे टेंशन नेबा ने आरिथमेटिकाल लिखि थो न तो मैथमेटिकाल लिखो ना आपन को कैलकुलेशन उपरे अनेबल टू कैलकुलेशन बा डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन दे थो तो आप टिक मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टेलीविजन कम्स अंडर, टेलीविजन टा क्या अंडर आज कौ टाइप सी TL आमर एड्टा से पचार, ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल ना नन ऑफ दिस। तो टेलीविजन आमर टीवी आमे शुणी पारिबा एवं देखि पारिबा, दुटा जाक होची तो आमर करेक्ट आंसर जीवो ऑडियो विजुअल माने दृश्य श्राव्य उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ बहुत थोड़ा अपना रिपीटेशन हो। तो सोशल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में आम जो सोशल चेंजेस होता कौन हो सीटा क्या सब इनक्लूड होना, एडल्ट लाइक बिहेवियर, से एडल्ट भाया बिहेवियर कर, एडल्ट लाइक बिहेवियर ये दुटा कटि जाए, एडल्ट लाइक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, मुझे क्वेश्चन आम मॉक टेस्ट 1 रूम आपको कही फिजियोलॉजिकल नीड रे कौन कौन आसूँ, तो फिजियोलॉजिकल नीड बा फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मोटिव रे आसूँ आम कौन ना, फूड आसूँगी, वाटर आसूँगी, एयर आसूँगी, ये सब आम आसूँ। तो ये आम फूड देती फूड मार, वाटर देती वाटर मारि था, एयर देते एयर मारि था। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर, तो सेल्फ फुलफिलमेंट देती तो सेटा हमर कोठी पूर्ण हो पारुची हमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रे। ऑप्शन नंबर डी हिज करेक्ट आंसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, आमर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 को किए प्रिपेयर करते किए प्रस्तुत करते से पचार, तो यहाँ किए प्रस्तुत करता आम NCERT प्रस्तुत करता NCERT। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज डिफाइंड एज, लर्निंग को
लर्निंग कौन डिफाइन कर पचारि लर्निंग इज डिफाइंड एज कौन हम करेक्ट आंसर तो चार ऑप्शन रही डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छी आंसर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन लर्निंग द्वारा आमर बिहेवियर रे चेंजेस आसुची बिहेवियर रे मॉडिफाई बा परिवर्तन होउची ऑप्शन नंबर डी होउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस से पचारे आमर कही कौ आम कॉपर उत्पादन रे इंडिया रे कौ देश कौ राज्यटा सब अधिक उत्पादन करुच्ची एटा कौ टाइप रो क्वेश्चन से पचारे कंप्लेसन सिंपल रिकॉल अंडरस्टैंडिंग ना ट्रू फॉल्स तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं आपन को तो दुटा ऑप्शन देनी ट्रू और फॉल्स ऑप्शन ना तो यहाँ आपन हेनी तापर अंडरस्टैंडिंग एटा सहित किसी आपको वर्णना करके कहना पड़ो ना यहाँ भी नुह कि आपने शून्य स्थान डेस्क फिलअप तो देनी आपटा भी हेनी कंप्लेसन शून्य स्थान तो देनी ये भी हेनी आप सिंपल रिकॉल टाइप मैंने आपने मन रखिथे से खाली कहे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर आमर जो यूजीसी रही यूजीसी आमर कौ वर्ष एस्टैब्लिश हो स्थापना है से पचारि तो आमर के 1956 ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फुल फॉर्म ऑफ एसएमडीसी एसएमडीसी फुल फॉर्म से पचारि तो एसएमडीसी फुल फॉर्म कौन है ना स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी ऑप्शन नंबर सी है आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द वर्ड पुवर्टी इज डेरिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड तो पुअर आमर जो पुवर्टी वर्डटा गोटे लैटिन वर्ड रु आसी तो कौ वर्ड रु आसी से पचारि पुवर्टास पुवर्ट पुवर्टी पब तो लैटिन वर्ड पुवर्टास रु आसी पुवर्टी तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड व्हाट इज द फर्स्ट नीड दैट मस्ट बी मेट तो से कहे जे आमर जो अब्राहम मास्लो को हायरार्की ऑफ नीड रही अनुजाई कौटा आमर प्रथम नीड एवं ताकु निहत आमे ताकु आमे सेटा आमको निहत जरूरी अटे तो सेफ्टी रही बिलंगिंग रही स्टीम ना फिजियोलॉजिकल तो फास्ट नीड हूँ आमर फिजियोलॉजिकल नीड जहाँकि आमर जो वाटर हो आमर फूड सेल्टर एयर सब निहती आमर आवश्यक फास्ट नीड ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर फिजियोलॉजिकल नीड हूँ सब फास्ट नीड आप देखी मास्लो को जो हायर कैप नीड रही फास्ट फिजियोलॉजिकल आसपर आपर एमती है कि आप कौन सेफ्टी नीड सिक्योरिटी लव इस्टीम आसपर आपर लास्ट आसमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आसुच्छे तो आम फास्ट नीड हूँ फिजियोलॉजिकल मैक्सिमम क्वेश्चन फास्ट नीड पचार हाईएस्ट नीड बा लास्ट बा टॉप नीड पचार तो सीटा हूँ आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पब्लिश्ड इन 1983 इज से कहे गोटे पुस्तक ना रही फ्रेम्स ऑफ माइंड ए पुस्तकटा को यही पुस्तक को 1983 मसीह लिखा जाता सीटा क्या द्वारा लिखा जा तो 1983 मसीह फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक को लिखी आमर के हावर्ड गार्डनर लिखी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन एवर इट इज रिपीटेड इट इज कॉल्ड से कहे गोटे टेस्ट आम कर स्कूल धरने गोटे टेस्ट कराला जानुरी टेस्ट कराला तो गोटे टेस्ट करा कराऊँच तो रिजल्ट सेम आसते थर आम रिपीट करेंगे सेम आस मैंने धरने आम जानुरी कले 10 पिला अष्टम श्रेणी नहीं कि तो से गणित 100 रु 90 रखिले फिर आम जून्रे कले जून्रे कलापर मैं से 100 रु 90 90 91 कि 99 रखिले मैंने सेम स्थिर रहा फिर से फिर आम डिसेम्बर कले से 100 रु 90 मानने तार स्थिरता रोचे तो आम जिते थर एग्जाम रिपीट करवा सेम रिजल्ट आसूँ तो सीटा कौन कह सीटा कह जाए रिलायबिलिटी कह जाए रिलायबिलिटी आपने टिक देखिक आप मारे ये ठीक नुह आपर रिलायबिलिटी हम जिते थर आम रिपीट करवा गोटे गोटे एग्जाम को लेकिन सेम रिजल्ट से दौरान कह जाए रिलायबिलिटी कह जाए विश्वसनीयता ओडिया विश्वसनीयता आम ऑप्शन थी। नेक्स्ट रही हु इज ए क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर तो आम क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर बहुत जन अच्छा से गोटे ऑप्शन आमर अच्छी तो कौटा हम आम क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर
मार्टिन लुथर किंग, थॉमस जेफरसन, डाल्टन, ईरासोर। तो आम क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर होती ईरासोर। ईरासोर क्या द्वारा इन्फ्लुएंस होती से आमर जो पाउलो फ्रेरे जो मुझे पेडागोगी द अप्रेस्ड पुस्तक लिखिं पाउलो फ्रेरे द्वारा से इन्फ्लुएंस होती प्रभावित होती। तो पाउलो फ्रेरे जन क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर से ईरासोर दे तो ईरासोर आम मार ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ईरासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सी सी स्टैंड फर सी सी फुल फॉर्म कौन से पचार क्वेश्चन इज क्वेश्चन कि ओटीटी आसूँ ओटीटी आसटेट आमर सी एच टी आसी आई ओटीटी क्वेश्चन प्रीवियस ओटीटी क्वेश्चन। तो सी सी फुल फॉर्म हूँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन इज। तो से कोई चारिटा ऑप्शन देती मॉडल डिग्री कॉलेजेस, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस, मिड डे मील स्कीम, हैप्पीनेस करिकुलम। तो देखु कौटा गोटे आमर केन्द्र द्वारा परिचालित स्कूल एजुकेशन स्कीम से पचार। तो यहाँ आम पूरा पूरा सेन्टर चलती मिड डे मिल स्कीम मध्यान भोजन आम योजनाटा यहाँ पूरा सेन्टर में चलती। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाइल फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स टीचर सुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग डोमेन्स। तो से कहते जिते गोटे ऑब्जेक्टिव को फ्रेमिंग करेंगे टीचर मैंने क्या माइंड कर डोमेन से फोकस करेंगे से पचार। सोशल क्रिएटिव इंटेलिजेंट इफेक्टिव एफिशिएंसी डिसिप्लिन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमीटर सिस्टमेटिक डिक्टोरियल आउ इंस्ट्रक्शनल। तो देखु आमर डोमेन रही कौन ना कॉग्निटिव डोमेन रही अफेक्टिव रही साइकोमोटर रही। तो ये तीन टा डोमेन को फोकस करके ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट रही व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट। तो गुड टेस्ट कौ क्वालिटी न थाए से पचार वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखु आमर गुड टेस्ट रे वैलिडिटी रोचे रिलायबिलिटी रोचे यूजेबिलिटी रोचे किंतु फ्लेक्सिबिलिटी तार सेमती किसी कैरेक्टर नुह तार लक्षण नुहे गुण नुहे। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग सेज दैट चिल्ड्रन अडॉप्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोशल स्पीच एंड मेक इट देयर ओन प्राइवेट स्पीच। आप पूर्व मुझे जदि प्राइवेट स्पीच कथा कही सोशल कथा कही लैंग्वेज कथा कही कल्चर कथा कही तो आप बिंदास मारे यहाँ किए देखते यहाँ स्टेटमेंट हूँ वाइगोत्स्की लेव वाइगोत्स्की रोच सोशल होगला कल्चरल होगला लैंग्वेज कथा आसो आउ प्राइवेट स्पीच आउ सोशल तो अच्छी गला प्राइवेट स्पीच दे तो बिंदास मारे लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट रही कोलाबोरेटिव लर्निंग इज सजेस्टेड बाय। तो कोलाबोरेटिव लर्निंगटा किए सजेस्ट करोलाबोरेटिव लर्निंगटा किए सजेस्ट करा बायगोर्स्की कराकि आम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जेडएडी एस गुड़ाक रही। नेक्स्ट रही सीसीई इनक्लूड्स सीसी कौन कौन इनक्लूड थाए प्लेसमेंट इवैल्युएशन फॉर्मेटिव इवैल्युएशन समेटिव बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरियाज। तो देखो सी सी इनक्लूड सी सी कौन रोच ना बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक कॉग्निटिव को कॉग्निटिव हम आप बेले बेले को जगह स्कॉलास्टिक देखिब स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक देखे मतलब आम टिक मार। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया। नेक्स्ट रही एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स पिक्चर्स चार्ट्स मैप्स चॉकबोर्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स एटसेट्रा कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी। एसबु आमर जो मॉडल होगा पिक्चर होगा चार्ट मैप चॉकबोर्ड आमर जो ब्लैकबोर्ड रहेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड एगुड़ाक कौ टाइप रम टीएलएम आसूँ से पचार कौ प्रकार टीएलएम आस से पचार। तो आम देखते एगुड़ाक आम मैप आम देखिपर ए शुणार किसी ना चार्ट देखा पिक्चर भी देखा मॉडल देखा चॉकबोर्ड रे आम देखा तो शुणार किसी ना तो आम यहाँ कौन सब गुड़ाक हूँ विजुअल एड्रे जीव। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ विजुअल एड्स।
केवल देखी पारिबा दृश्य उपकरण एथरे सुनी पारिबा नै तो एडी ऑडियो विजुअल हबनी कि एडी ऑडियो भी हबनी मोबाइल भी हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रीएनफोर्समेंट हु सेड दैट तो आप मैंने आराम से आंसर दे पारे चार ऑप्शन रही स्किनर रही गेट्स केवलिन आउ लिम्बल रही तो देखो तो आप जितने रीएनफोर्समेंट कथ कही आप रीएनफोर्समेंट वार्डटा सुनल मैंने से आम किए देखते बी एफ स्किनर दे तो बिंदास मारे बी एफ स्किनर बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड कौ स्टेज रे गोटे फिजिकल ग्रोथटा आमर खूब शीघ्र होता है फटाफट फटाफट आम ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ होता है कौ टाइप कौ स्टेज रे इनफेंसी इयरली चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस ना स्कूल एज तो देखते आमर बर्थ टू टू इयर्स आमर जो इनफेंसी स्टेज रोचे इनफेंसी रोचे से ही समय फटाफट फटाफट फिजिकल ग्रोथ होता है खूब शीघ्र होता है तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इन्फेंसी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज नोन एज द फादर ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस ये क्वेश्चन टा ओटीटी रे आसीतिला आप माने ओटीटी मध्ये आसीतिला आ सीटेट रे मध्ये क्वेश्चन आसी सारिछि तो आमर जो एसएसटी टीजीटी टीजीटी एग्जाम रे मध्ये आसीतिला तो इम्पोर्टेंट रहा सीएचटी मध्य अलरेडी आप आसी सारी तो यहाँ बहुत गुड़ा एग्जाम पांचटी ओटीटी ओएसटीटी सीटेट आउ आप एसएसडी जो आम आसाला से आसाला आउ ओटीटी मध्य यही जो पे स्पेशल ओटीटी से आसी तो से कही हु इज नोन एज द फादर ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस कोन ऑफ एक्सपीरियंस जनक किए एडगार डेल एडगार डेल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही When a test measures an individual's ability, consistency, and accurately, then that test is known as consistency. स्थिरता रोज मैंने बिंदास मारे reliable, reliable by reliability. Reliability देती हूँ कि मैं reliable देती हूँ reliable हम correct answer. बेस पसंद नहीं हो. Next रोज which is not an element of creativity. तो creativity रो कोटा वाले element बा उपादानों नुहे से पचारे ची. Fluency, flexibility, originality, memorizing. तो देखु क्रिएटिविटी रो एलिमेंट हूँ फ्लुएंसी रहा दरकार फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी रहा किंतु मेमोराइजिंग मन रखा यहाँ क्रिएटिविटी रो काम नुह ऑप्शन नंबर फोर हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक डज ए गुड टेस्ट है तो गुड टेस्ट रो कोटा गोटे क्यारेक्टर से पचारि गुड टेस्ट रो कोटा गोटे क्यारेक्टर अटे से पचारि यूजाबिलिटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑल ऑफ द अबव तो देखते गुड टेस्ट रे आमर यूजाबिलिटी जाउछि रिलायबिलिटी मध्ये तार गोटे क्यारेक्टर वैलिडिटी मध्ये तार क्यारेक्टर तो ऑप्शन नंबर डी हेज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी हेव करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म इमोशन इज डेरिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड तो आम इमोशन टर्मटा लैटिन वर्ड रु आसी तो कौ लैटिन वर्ड रु आसी आप कहे तो इमोवर डिमोवर इमोटिव ना नन ऑफ द अबव तो आमर इमोवर इमोवर गोटे लैटिन वर्ड अच्छे से इमोशन वर्डटा आमर आसी तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इमोवर। नेक्स्ट रही सेफालोकाउडल ल इज आसोसीएटेड विथ द तो आमर जो सेफालोकाउडल ल रही प्रोक्सिमो डिस्टल ल रही एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित से पचारि ग्रोथ ना मैच्युरेशन ना इमोशन ना नन ऑफ द अबव तो आमर जो आमर सेफालोकाउडल ल होउछि एटा आउ प्रोक्सिमो डिस्टल एगुड़ाक डेवलपमेंट ए गुड़ाक डेवलपमेंट जितेबले आम आमर जो माँ पेटर छुआटा भ्रूण अवस्था रोचे तो कौ कौ पिलार कौन हो हेड टू फुट आड़ तार फास्ट हेड आड़ तार डेवलप विकास हो लास्ट तार फुट पाद आड़ टोय बा फुट पादर टोय टोय आकु आड़क आसुची कार कार कौन हो सेंटर रु पेरीफेरी जाए सेंटर रु तार स्टार्ट हो पेरीफेरी आड़क जाऊँच तो आपर एटा गोटे डेवलपमेंट अटे तो ये डेवलपमेंट अप्सन ना युवा क्या सहित यह डेवलपमेंट सहित रिलेटिव अटे कि ये डेवलपमेंट अप्सन ना तो आम मार नन अफ द एबव सेफालोकाउडल ल आउ प्रोक्सिमो डिस्टल ल एगुड़ा गोटे गोटे डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट ऑप्शन नहीं डी मार करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर्सनालिटी वाज डिवाइडेड इनटू एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बाय द रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट
तो कौ साइकोलोजिस्ट द्वारा पर्सनालीटी को दुई भाग में डिवाइड कर विभक्त कर गोटे हूँ एक्सट्रोवर्ट आ गोटे इंट्रोवर्ट यहाँ किए करमर कार्ल जंग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कार्ल जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट आमर कोहलबर्ग को मोरल डेवलपमेंट अच्छी तो से कौटा गोटे स्टेज नुहे से पचार तो कोहलबर्ग रही तीनटा आमर रही कौनना आमर कन्वेंशनल अच्छी प्री कन्वेंशनल रही पोस्ट कन्वेंशनल रही कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ये तीन टा स्टेज रही किंतु सेंसरी मोटरटा कोहलबर्ग नुह यहाँ गोटे आमर पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे आसुची तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर इज नॉट ए स्टेज ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीटा किए प्रस्तावित करते स्पीयरमैन थर्स्टन केटल ना गार्नर तो आम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखते हावर्ड गार्नर आ ग्रुप फैक्टर थ्योरी देखते आम किए लुईस थर्स्टन देखते ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो ये ऑप्शन नंबर डी हूँ आम करेक्ट आंसर हावर्ड गार्नर देखते मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये आपने टोटल आप 47 क्वेश्चन थी गोटे क्वेश्चन 47 क्वेश्चन रही आप तो 47 रु के स्कोर कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। तो फ्रेंड्स ता सहित वीडियो जब भल लगुच गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिक मात्रा में कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे आउ जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को निहाती भावे सब्सक्राइब कर दिंतु और ताकर ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।